हे एवरीवन, और आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्या मैं बता बोलूँगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है कि बीएसपी फार्मेसी पे जो हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ फेक तो नहीं है। एक स्टूडेंट का हमारे पास कॉल आता है, कोई गर्ल थी, तो वो बोलती है कि मैम मैंने अपने टीचर से भी बात की इसके बारे में, तो टीचर्स बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये फ्रॉड है, फेक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, हमारे दो तीन चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है हमारे, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे हम लोग एक्टिव हैं, 1000+ स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हैं, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट अभी हम भी अपनी एप्लीकेशन पे पिछले 2 से 2.5 महीने से ही एक्टिव हुए हैं, ये मान के चलिए पिछले 2 महीने से ही प्रॉपर तरीके से एक्टिव हुए हैं अपनी एप्लीकेशन पे भी। अपने चैनल्स पे भी हम इनएक्टिव हो गए थे, लास्ट ईयर हम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो गए थे, लेकिन अभी हमारी पूरी टीम एक्टिव है अपनी एप्लीकेशन अपने चैनल्स पे, और अब हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए रहेगी भी। सो इसके लिए बीएसपी फार्मेसी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको इस पे अगर थोड़ा भी आपको लगता है, डाउट होता है, तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग रिव्यूज़ भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज मैंने कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए करने का सोचा है कि जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। उसके लिए हमारे स्टूडेंट जो हमारे मास्टर कोर्स में ज्वाइन हैं, उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को हम कॉल करेंगे और उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे मास्टर कोर्स में जो ज्वाइन है वो है अंबेश यादव, जो कि जौनपुर से हैं, तो मैं अंबेश को भी कॉल करने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी मैं अंबेश को जस्ट नाउ कॉल करूँगी और उनसे बात करूँगी। हेलो, हाँ जी, अंबेश से बात हो रही है? यस मैम, अंबेश। हाँ, मैं बीएसपी फार्मेसी से बात कर रही हूँ अंबेश। यस मैम। हाँ जी अंबेश, मैं ये बोल रही हूँ, क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हो आप? यस मैम, डेली। अच्छा, डेली क्लास अटेंड कर रहे हो, और नोट्स जो आपको मिले थे उनसे पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम, नोट्स ट्राई कर रहे हैं, वीकली टेस्ट दिया है, मंथली टेस्ट दिया है। क्या बोल रहे हो? वीकली टेस्ट का था, मंथली टेस्ट दिया था। अच्छा अच्छा, आपका भी अभी आपका मंथली टेस्ट भी हुआ है और वीकली टेस्ट भी हुआ है, अटेंड किया आपने टेस्ट? यस मैम, हाँ मैम, टेस्ट में अटेंड करता हूँ चाहे जो। अच्छा, कितने मार्क्स मिले आपको? मैम मेरा 25 25 नंबर का था, उसमें 13 नंबर आया था। 25 नंबर का टेस्ट था और आपके 13 नंबर आपको मिले हैं? अच्छा, तो आप सारे टेस्ट वगैरह अटेंड करते हो? यस मैम। अच्छा, क्लास सुबह भी हुई थी और शाम को भी, दोनों क्लास अटेंड की है? यस मैम, एक्चुअली मैम पढ़ा रही अच्छा, सुबह 6:30 बजे। अच्छा चलो ठीक है। तो कॉलेज वगैरह आपका स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ अभी? नहीं मैम, कॉलेज चल रहा है अभी, इसमें कॉलेज नहीं हुआ, लंच हुआ बस, बाहर आया। अच्छा, कॉलेज आपका चल रहा है, चलो ठीक है। तो काफ़ी मतलब आपको नॉलेज हो गई होगी सारे सब्जेक्ट्स वगैरह की, तो कॉलेज में जाके कैसा लग रहा है? अच्छा रहा लग रहा है, जो पूछ रहे हैं बता रहे हैं। अच्छा, जो पूछ रहे हैं तो आपको पहले से पता है तो आप बता रहे हो, यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बीएसपी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन करने के बाद फायदा हुआ है आपको? बहुत नेम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा मिल रहा है। अच्छा, बहुत फायदा हो रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, चलिए ठीक है। ओके अमेश, गुड लक। ओके, तो जैसे कि आपने अंबेश का तो देख ही लिया कि उसे क्या बेनिफिट मिला है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बच्चों को ज्वाइन हुए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन हुए हुए टाइम नहीं हुआ है स्टूडेंट्स को। अभी हम सेकंड स्टूडेंट को अपने कॉल करते हैं, तो सेकंड स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिया है मुकेश पांडे, तो मुकेश पांडे को कॉल कर लेते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे। चलिए ठीक है, मुकेश पांडे ने कॉल रिसीव नहीं किया है।
अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है राहुल राठौर को कॉल, जो कि बरेली से हैं, यूपी बरेली से हैं, तो अब हम इन्हें कॉल कर लेते हैं। सो इन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया है। अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट को कॉल, मयंक कुमार जो कि फतेहपुर से हैं। 7717763 से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ। सभी स्टूडेंट अभी शायद कॉलेज में हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रखा है 1 PM, तो शायद स्टूडेंट अभी कॉलेज में हैं, इस वजह से इनका कॉल भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट को कॉल करते हैं, अंशिका ठाकुर। हेलो, हाँ हाँ जी, अंशिका से बात हो रही है? हाँ हाँ जी अंशिका, मैं BSP फार्मेसी से बात कर रही हूँ। सुल्तानपुर हाँ, कहाँ हो आप अभी, मतलब कॉलेज में हो, घर पे हो? घर पे है। घर पे हो। तो आपने कौन से कोर्स में ज्वाइन किया अंशिका? मैंने CED का ज्वाइन किया था, बस उसके बाद मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की बुक मंगाई है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर की सिर्फ बुक मंगाई है, मास्टर कोर्स में आपने ज्वाइन नहीं किया है? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो बुक आपको मिल गई, हाँ कब मिली थी बुक? मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे मिल गई थी अच्छा मिल गई। 10 15 दिन बाद। अच्छा, तो आपने पढ़ा उससे, नहीं पढ़ा अभी क्या? नहीं पढ़ रहे उससे, पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। वैसे आपको सही लगी बुक, हाँ ठीक है, अच्छी है। अच्छी है? तो उससे मतलब जब अभी आपने क्लास वगैरह तो ज्वाइन नहीं की है, चलिए ठीक है। नहीं क्लास वगैरह ज्वाइन करोगे नहीं करोगे? नहीं मैम। अच्छा क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, तो नोट्स आपके लिए परफेक्ट हैं? हाँ अच्छा चलिए ठीक है, ओके अंशिका। थैंक यू मैम। ओके ओके। सो हमने मुकेश पांडे को कॉल किया था, तो अभी उनका कॉल बैक आ रहा है, रिसीव करते हैं। हेलो, हेलो। हाँ मैम, नमस्ते नमस्ते बेटा, मुकेश पांडे से बात हो रही है? जी मैम, बताइए। कहाँ से हो मुकेश आप? गोंडा से मैम, गोंडा से। अभी कहाँ पे हो आप? तो घर अच्छा, कॉलेज वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ आपका? पे हूँ मैम। मैम 1 तारीख से थोड़ा चालू होगा, 30 को जाएंगे। कब जाओगे? तीस को मैम। अच्छा अभी मतलब कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मुकेश आप क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हो डेली, यस मैम। और टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, टेस्ट आपने अटेंड किया? यस मैम। और बाकी कैसी चल रही है पढ़ाई? हेलो। हाँ वो HAP है। हाँ हाँ बोलो। HAP, HAP चालू होगा वन फर्स्ट वाला। हाँ 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 वही, मतलब देख रहे थे नोट्स में वही सब। अच्छा ठीक है। तो मुकेश ये बताओ, मतलब आपको BSP फार्मेसी के साथ जुड़ने के बाद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? यस मैम, हम लग रहा है बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है मैम कॉलेज से पहुंचने से पहले हमको। अच्छा, कॉलेज में पहुंचने से पहले आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई, यस मैम, तो मतलब फ़ायदा हो रहा है आपको। यस मैम। चलिए ठीक है। और वो वाले जो आपने शायद हैंड रिटन नोट्स भी मंगाए थे, वो पहुंच गए आपके पास? यस मैम, उस दिन मैसेज आपको किए थे, आ गया था मैम, हफ्ते हो गया उसको। अच्छा, आपके पास मतलब दोनों नोट्स आपको रिसीव हो गए, हैंड रिटन भी और कंप्यूटराइज यस भी। मैम, यस मैम। चलिए ठीक है। ओके मुकेश, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं? मैम शायद 12 थे या 10, हाँ 12 ऐसे कुछ थे मैम। अच्छा, कितने में से? 20। 20 में से 12 मार्क्स आपको मिले हैं, चलिए यस ठीक है। मैम। और जी मेहनत कीजिए, 20 out of 20 लेके आइए। मैम, बस ऐसे मैम, पढ़ाई चल रही है अच्छी खासी। चलिए ठीक है। ओके मुकेश, ओके नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके, तो जैसे कि आपने देखा, हमने अपने 3 स्टूडेंट से बात किया, अंशिका ठाकुर जिन्होंने सिर्फ नोट्स अभी ऑर्डर किए हैं, अभी वो कोर्स में उन्हें ज्वाइन इसलिए नहीं करना है क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियली उन्हें प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ उन्हें कोर्स इसलिए भी अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि उन्हें के पास टाइमिंग का शॉर्टेज है। सुबह निकल जाते हैं 8 बजे कॉलेज के लिए और शाम को वही 7 बजे वो घर पे
पहुंच पाती हैं, तो इसी वजह से उनका कहना है कि वो लाइव क्लास वगैरह अटेंड नहीं कर पाएगी, पर नोट से उन्हें बहुत सहायता मिल रही है। और मुकेश पांडे और दूसरा अम्बेश यादव, दोनों का आपने सुना कि किस तरीके के उन्हें नोट्स लगे, कैसा उन्हें फील हो रहा है। एक बच्चा जो अम्बेश यादव है, उसने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसका कहना है कि टीचर्स जो भी पूछते हैं तो मुझे वो सारी चीज़ें पहले से पता होती है, जैसे जनरल जो क्वेश्चन बच्चे से किए जाते हैं, हम अपने स्टूडेंट को पहले ही यहाँ पे गाइड कर देते हैं कि आपको फर्स्ट डे जाना है जब कॉलेज में, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन में कन्वर्ट होता है। कॉलेज का क्या काम होता है बेटा, कॉलेज का मतलब है आपको कॉलेज जाना है, जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो कॉलेज के हाथ में होते हैं, जो आपका कॉलेज होता है उसके हाथ में होते हैं, चलो जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है वो तो आपके यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं, आपके हाथ में होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो उन्हीं के हाथ में होते हैं। तो जैसा आप अपना बिहेवियर रखोगे वैसे ही वो आपको मार्क्स देंगे। इंटेलिजेंट सिर्फ इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड कर देती है कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्लास में किस तरीके का रखना है, टीचर्स के सामने किस तरीके का रखना है, आपका जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे टीचर्स आपको समझाते हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी क्लासेस में समझाई जाती हैं, तो जिससे कि आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा डलता है टीचर्स के ऊपर, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स एनहांस करने का काम भी हमारे टीचर्स करते हैं, जिससे आप जाएँ जब कॉलेज में तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट कौन से है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, आपको पहले से सारी चीज़ें पता होंगी। क्लियर? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट का डाटा है अभी भी, जो कि स्टूडेंट अभी रिसेंटली हमारे कोर्सेज में ज्वाइन हुए हैं, तो उन स्टूडेंट का भी रिव्यू लेने के लिए तो ये मान के चलिए कम से कम 5 से 7 दिन लग जाएंगे, अगर सबको हम कॉल करेंगे कंटिन्यू भी, अगर हम 12 आवर्स भी काम करेंगे तो भी कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए इसी तरीके से मैं नेक्स्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट को कॉल करूंगी, शायद मेरे स्टूडेंट मेरा ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो शायद नेक्स्ट कॉल आपके पास ही आएगा। ओके, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सीरियसली आपके लिए बेनिफिशियल है, 100% मैं गारंटी लेती हूँ अपने कोर्सेज की, अपने टीचर्स की और अपने कंटेंट की। आपको जो भी मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, आपके फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि आप फ्यूचर के एक बेस्ट फार्मासिस्ट बने, क्योंकि फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फार्मासिस्ट को जरूरी है कि एक फार्मासिस्ट बन तो कोई भी जाएगा, डिग्री कोई भी ले लेगा, लेकिन एक सच में जो एक जिम्मेदारी होती है फार्मासिस्ट की, वो समझना आपको बहुत जरूरी है, और फार्मेसी की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लाखों पैसे आप खर्च करते हैं, लाखों रुपये आप खर्च करते हैं कॉलेजेस में, लेकिन वहां पर आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ डिग्री मिलेगी, वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मात्र 1,000, 1,500, 2,000 मात्र इतने प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत कम प्राइस है, 8 महीने डेली लाइव क्लास होना, इतनी क्लासेस आपके कॉलेज में भी नहीं चलेगी, चाहे आप कंपैरिजन कर लेना, 100% मैं गारंटी देती हूँ, आप कंपेयर कर लो, किसी भी तरीके से कंपेयर कर लो, अपने लेक्चर्स उठा के देख लो जो कॉलेज में होते हैं, और हमारी लाइव क्लासेस ले लो, अगर इतनी इससे ज़्यादा निकल जाए आपके कॉलेज की क्लासेस तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कोर्सेज ज्वाइन करो अगर आप सच में एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उसके लिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, कभी भी कॉल करेंगे कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आपके कॉल का आंसर ज़रूर किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।